Yes, welcome to you all on your own channel NEP Education. And today I am coming with the video having the classification of the phylum Arthropoda. और आज आप लोगों के साथ discuss करने जा रहे हैं. इस सीरीज में हम लोग सभी फाइलम का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं एंड बोथ बोर्ड एनईबी एंड सीबीएसई को फोकस किए हुए हैं. तो इन द एनईबी वी हैव टू स्टडी क्लासिफिकेशन अप टू द क्लास, जबकि सीबीएसई में ओनली अप टू द फाइलम. ओके, सो वी आर गोइंग टू बी द टुडे डिस्कस अबाउट द फाइलम आर्थ्रोपोडा. एंड आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में. मैं अभय कुमार मिश्रा. And the students who came the first on the this channel, I shall request over there, please subscribe to this channel and like and share this video among your friends too. Thank you very much. Now proceed towards the classification characteristic with their concept. चलिए अब बात है this term arthropoda. कहता है ये arthropoda term Greek word है. Arthros का मतलब होता है jointed और podas का मतलब होता है foot. Means such animals are having the jointed legs or jointed foot. और ये term coined किया गया that is the by the Von Siebold. Okay, phylum arthropoda is taken as the largest phylum. ये largest phylum है among the vertebrate and invertebrate. यही समझिए, अभी तक जितने species reported हैं near about 80% of them belong to the phylum arthropoda. 80% of them belong to the phylum Arthropoda. Okay, इस phylum का अगर हम लोग characteristic देखते हैं तो ये terrestrial सभी जगह present होता है. बहुत ही बड़ा phylum है ये. बहुत सारे example मिलते हैं इसलिए terrestrial भी है. Aquatic में दोनों marine and fresh water, aerial भी है. इसका body bilaterally symmetrical. Already ये terms सब introduce कर चुके हैं basic term में, इसलिए मुझे लगता है इसको ज्यादा focus करने का यहाँ पे जरूरी नहीं है. Triploblastic भी focus कर चुके हैं. इसका बॉडी जो होता है मेटामेरिकली सिगमेंटेड, मींस लॉन्गिट्यूडनली जो लेंथ में ये सिगमेंट में डिवाइड होता है. लेकिन इसका जो डिवीजन होता है फाइलम एनलिडा में भी हम लोग पढ़े, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली दोनों सिगमेंटेशन होता है. लेकिन यहां पे जो सिगमेंट होता है वह एक्सटर्नली ओनली. ओके, अंदर से ये डिवाइड नहीं होता है इंटरनली. जैसे एनलिडा में पढ़े जो दो सेगमेंट के बीच में सेपरेशन होता है बाय द वन मस्कुलर वॉल, जिसको कहते हैं हम लोग सेप्टा और सेप्टम. लेकिन यहाँ पे इंटरनली आपको किसी टाइप का कोई सेपरेशन नहीं दिखेगा, बाहर से ही सिर्फ सेपरेशन दिखता है. इस टाइप का जो मेटामेरिज्म होता है इसको हम लोग कहते हैं टेगमेटाइजेशन. टेगमेटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ओवर देयर. दिस एनिमल इज द हेमोसिलोमेट. हेमोसिलोमेट का मतलब है इसका सिलोम, जहां पे सेल और टिश्यू के चारों देयर इज द ब्लड कैपिलरीज नहीं होता है. ब्लड इज गोइंग टू बी द एरिड फ्री इन द सिलोम. सिलोम में ब्लड फ्री हो जाता है, इसीलिए ऐसे एनिमल्स को हम लोग कहते हैं हेमोसिलोमेट. हेमो का मतलब ब्लड और सिलोमेट मतलब सिलोम. सिलोम में ब्लड फिलअप रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेमोसिलोमेट. इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट किसी पार्टिकुलर स्पीसीज में वह ऑर्थोपोड्स में फिक्स होता है. Yes, so the number of segments in the arthropods are fixed. Externally, बाहर से अगर देखते हैं हम लोग, body is covered with a thick, tough, non-living, chitinous substance होता है. Chitin जिसको हम लोग कहते हैं exoskeleton है, क्योंकि ये बाहर से support करता है, protective भी होता है ये cuticle, forming the exoskeleton. It remains thin, soft and flexible between the segments. यानी दो segment के बीच में जो ये chitin hard structure होता है, तो दो सेगमेंट के बीच में वह थीन एंड फ्लेक्सिबल होता है. यस, थीन सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, जिससे इसमें मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. सो दैट मूवमेंट्स आर पॉसिबल. ओके, इसके बाद है एक्सोस्केलेटन. इसका जो बाहर का स्केलेटन होता है पीरियोडिकली रिप्लेस होता रहता है एडल्ट में, क्योंकि ये बाहर का जो इसका एक्सोस्केलेटन है दैट इज द नॉन लिविंग. वह डिवाइड होकर साइज ग्रो नहीं करता है, इसीलिए इसको रिप्लेस किया जाता है टाइम टू टाइम. एडल्ट में रिप्लेस होता है उसी फिनोमेनन का नाम इग्डाइसिस, और लार्वा में अगर उसको रिप्लेस किया जाता है तो उसी प्रोसेस का नाम हम लोग मोल्टिंग देते हैं. इसलिए टू डिफरेंट स्टेज में सेम चीज यानी एक्सोस्केलेटन को जो रिप्लेस किया जाता है विद द न्यू वन, उसका नाम देते हैं एडल्ट में इग्डाइसिस एंड मोल्टिंग में इसको हम लोग कहते हैं लार्वा स्टेज में इसको कहते हैं मोल्टिंग. इट इज अ प्रीमियर, सो आई एम हेयर विथ यू. आप लोग के साथ हैं, इसलिए अगर किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम, कोई टर्म नहीं समझ में आए तो यू कैन कॉमेंट ओवर देयर.
आई शैल गिव यू रिप्लाई ऑन द कॉमेंट। लेकिन प्रीमियर के बाद भी अगर आपको किसी टाइप का कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे जूलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, यू कैन कॉमेंट ओवर देयर। आई शैल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप लोग का बहुत ही अच्छा कॉपरेशन मिल रहा है मुझे, इसीलिए एनर्जी भी मिलता है एंड आई कैन वर्क फॉर यू फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नो मैटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका सेगमेंट जो होता है बॉडी में बियर वन पेयर और मोर ज्वाइंटेड लेग्स। वन पेयर भी हो सकता है या ज्यादा ज्वाइंटेड लेग, जिसके कारण इस फाइलम का नाम भी अर्थोपोडा, ज्वाइंटेड लेग्स होता है इसके पास। इसका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है, मींस हैविंग द टू सेपरेट ओपनिंग, वन इज मींट फॉर द इंजेशन एंड अदर इज मींट फॉर इजेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, जैसे बताया हेमोसिलोमेट है, सिलोम में जाके ब्लड ओपन होता है, वहां पे सिलोम में रिलीज हो जाता है। दैट्स वाई पार्शियली इट फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल एंड पार्शियली इट फ्लोज आउटसाइड द ब्लड वेसल। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम देते हम लोग ओपन टाइप। रेस्पिरेशन बाय द बॉडी सर्फेस, बॉडी सर्फेस से भी करता है, गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म करता है, ट्रैकिया करता है और बुक लंग्स करता है। यस आई थिंक और सब तो बात आप लोगों को क्लियर ही होगा। ट्रैकिया का बात करूं और बुक लंग्स का बात करें, ट्रैकिया का मतलब है यहाँ पे जी ये विंड पाइप ही होता है, ट्रैकिया होता है। इसके बॉडी में इसका ब्रांचेज रहता है एंड जगह जगह पे इसका एक ओपनिंग होता है ऑन द सर्फेस, बॉडी सर्फेस पे ओपनिंग है। आपस में भी बहुत सारे ट्रैकिया कनेक्टेड होते हैं, मींस विंड पाइप जैसा, और ये बाहर जो इसका सरफेस पे ओपनिंग होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पायरेकल्स, इसका नाम है स्पायरेकल्स। यहां से एयर जाता है इनसाइड और इसी विंड पाइप में जब एयर रहता है तो यहीं से यहाँ पे डिफ्यूज कर जाता है इनटू द ब्लड, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस देयर, और इस तरह से बहुत सारा ब्रांचेज होता है। यस हेड रीजन में भी रहता है, थोरेसिक रीजन में भी होता है, इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। बुक लंग्स का जहां तक बात है तो बुक लंग्स इसमें एक स्ट्रक्चर होता है लैमिला ओवर देयर, इस तरह से लैमिला इस तरह से बनाता है ये। यस ये बुक जैसा अपीयरेंस देता है। इन दिस वन देयर इज द ब्लड सप्लाई ओवर देयर, यहां पे ब्लड सप्लाई होता है। ये एपेंड स्ट्रक्चर ओवर देयर जिसको कहते हैं हम लोग लैमिला में, ये ब्लड सप्लाई है और इधर से एयर आता है, और ये जब एयर आएगा तो ये एयर से ऑक्सीजन विल बी द डिफ्यूज इनटू दिस ब्लड ओवर देयर। इसीलिए ये जो ब्रांचेस बनता है ये बुक जैसा देखने में लगता है। एक साइड इस लैमिला में देयर इज द ब्लड सप्लाई ओवर देयर, इस गिल्स में यहां पे जाता है एयर जहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इस ब्लड में जाता है, इसको हम लोग नाम देते हैं बुक लंग्स। इसमें बुक लंग्स भी होता है और बुक गिल्स भी होता है, इसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, बट दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द अपेंडिसेस। उसे कहता है फाइव और सिक्स पेयर्स, सिक्स पेयर्स होता है, कुछ ऑथर फाइव पेयर्स कहते हैं, क्योंकि गिल्स के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरकुलम। अपरकुलम को कुछ जूलॉजिस्ट उसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन अपरकुलम में भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, तो सम ऑफ देम यूज टू बी द क्वांटिटी एज ए सिक्स पेयर्स, कुछ नहीं काउंट करते हैं तो उनको फाइव पेयर्स लेके चलते हैं। वहां भी बुक गिल्स में भी सेम चीज होता है, लेकिन वहां पे एयर की जगह पे वाटर सप्लाई होता है जहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होगा। यस वह अपेंडिसेस का मॉडिफाइड फॉर्म है, एक्वेटिक फॉर्म में मिलता है, दैट इज द अपेंडिसेस का वह मॉडिफाइड फॉर्म। इज इट क्लियर? दिस इज द अपेंड, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डिफरेंट पार्ट है उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इफ यू आर कमिंग, इसके बाद आते हैं एक्सक्रीशन बाय द कोक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, मैलफिजेंट ट्यूबल्स ज्वाइंटेड टू द गट। तो कोक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड का बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, बेसिक स्ट्रक्चर इज द नियर अबाउट सेम ओवर देयर, एक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसको हम लोग कहते हैं लैब्रिंथ। इसके बाद इसमें से ट्यूबल्स, हाईली क्वाइल्ड डक्ट निकलता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूबल्स, एंड दिस ट्यूबल्स इज गोइंग टू बी द ओपन इनटू द वन ब्लैडर एंड दिस ब्लैडर ओपन आउटसाइड बाय द डक्ट। यस इसको हम लोग नाम देते हैं लैब्रिंथ। ये है लैब्रिंथ, लैब्रिंथ, दिस इज द ट्यूबल, ये ट्यूबल है, ओके, दिस इज द ब्लैडर और ये डक्ट है जहां से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट विल बी द गिवन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो यहां पे देयर इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हायर एनिमल्स में, जो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जो ब्लड से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट या यूजफुल सब्सटेंस भी फिल्टर होता है अंडर द प्रेशर। ट्यूबल में आने के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है,
जो यूजफुल सब्सटेंस है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मीन्स यूरिन इज स्टोर्ड इनटू द ब्लैडर एंड फ्रॉम हियर टाइम टू टाइम इट इज गिवन आउटसाइड। ये है ग्रीन ग्लैंड का और कोक्सल ग्लैंड का एक बेसिक स्ट्रक्चर। मैलफीजन ट्यूबल्स का बात करेंगे तो इसके एलिमेंट्री कैनाल में इस तरह से ब्रांच डक्ट लाइक स्ट्रक्चर आता है और ये आपको आके ओपन हो जाता है इसके एलिमेंट्री कैनाल में। यहां से एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट लिया और एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज करके थ्रू द एनस इट इज गिवन आउटसाइड। इसको हम लोग नाम देते हैं मैलफीजियन ट्यूबल्स। क्लियर। नर्वस सिस्टम इज सेम एज द एनिलिड। जैसा एनिलिडा में पड़े बहुत सारा गैंग्लिया होगा, यस वो आपस में कनेक्टेड होता है। इसमें सेंस ऑर्गेन एंटीनी भी है सेंस ऑर्गेन। सिंपल आइज होता है इसके पास, कंपाउंड आइज होता है। कंपाउंड आइज का मतलब मेनी आई लेंसेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओमेटीडियम। यस एंड दिस ओमेटीडियम इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, इसको हम लोग यूनिट ऑफ कंपाउंड आई भी कहते हैं। साथ में स्टेटोसिस्ट, ये भी एक सेंस ऑर्गेन है जो इसको बैलेंसिंग में हेल्प करता है। इफ यू सी द स्टेटोसिस्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है देर इज द सीलिएटेड ओवर देयर, ऐसे सेंसरी सेल्स होता है। दिस सेंसरी सेल्स आर रिमेन सीलिएटेड, ये पूरा सीलिएटेड होता है। इसमें एक स्ट्रक्चर होता है विच इज द फ्री टू रोटेट, जिसको कहा जाता है स्टेटोलिथ। अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ये किसी भी डायरेक्शन में जाता है और वहां के सेंसरी सेल्स को एस्टिमुलेट करके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है एंड आफ्टर दैट ब्रेन कैन फाइंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। सो ये बैलेंसिंग में हेल्प करता है। टेस्ट रिसेप्टर भी इसके पास होता है। ओके, एनिमल्स आर द ऑफ दिस फाइलम मैक्सिमम ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। मेजोरिटी आर द ओविपेरस, मेजोरिटी ओविपेरस होता है। फ्यू लाइक स्कॉर्पियन जो होता है वो ओवो विविपेरस होता है। आई फील इट इज द नेसेसरी टू एक्सप्लेन द ओवो विविपेरस। ओविपेरस का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, दैट एनिमल्स विच ले द एग्स, यानी जहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे दो चीज होता है, या तो ओविपेरस, कहने का मतलब जायगोट फॉर्मेशन हुआ इनसाइड द बॉडी लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, उसके बाहर एक हार्ड कवरिंग दे दिया जाता है जिससे वह बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में प्रोटेक्टेड हो और उसके बाद डेवलपमेंट होता है आउटसाइड द बॉडी। लेकिन अगर डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी हो तो उसको हम लोग कहते हैं विविपेरस। लेकिन विविपेरस में क्या होता है, जायगोट बनने के बाद जब वह डेवलपमेंट करते रहता है, जस्ट एज वी आर डेवलपिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, तो वी आर गेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट मेटल्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम आवर बॉडी ऑफ द मदर। मींस जायगोट बनने के बाद भी बाहर से न्यूट्रिशन सप्लाई होता रहता है थ्रू द प्लेसेंटा कहिए, थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड कहिए ऑफ द मदर, वहां से जो डेवलपिंग है उसको मिलते रहता है। लेकिन ओविपेरस में क्या है, ये बॉडी से बाहर हार्ड स्ट्रक्चर से प्रोटेक्टेड होता है, इसको पूरे अब कंप्लीट डेवलपमेंट के टाइम में इसको बाहर से किसी भी टाइप का कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई नहीं होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है ओविपेरस एंड विविपेरस। अब इसका नाम ओवो विविपेरस दिया गया, इसका मतलब है ये दोनों के बीच में। क्या दोनों के बीच में, ओवो विविपेरस मींस ये ओविपेरस है। कैसे ओविपेरस है, बिकॉज इट डिडंट गेट द एनी टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर, मदर के बॉडी से किसी भी टाइप का कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल्स नहीं लेता है। लेकिन ये विविपेरस भी है, कहने का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ जायगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही डेवलप होता है बाहर नहीं होता है। जब जायगोट कंप्लीट डेवलप होकर इंडिविजुअल बन जाता है आफ्टर दैट इट इज गिवन आउटसाइड, तो इट पॉजिज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोथ। ये कंप्लीट डेवलप के बाद बाहर निकलता है लेकिन बॉडी ऑफ द मदर से किसी भी टाइप का एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट नहीं लिया, तो इसका मतलब हो गया दैट इज द ओविपेरस। इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए ऐसे कंडीशन को नाम दिया गया ओवो विविपेरस। आई थिंक इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू हैव। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन कमेंट ओवर देयर, आई शैल ट्राई टू गिव यू रिप्लाई ओवर देयर। प्रीमियर के बाद भी आपको रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। इसका डेवलपमेंट दोनों होता है डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। ओके, मींस डायरेक्ट विदाउट एनी लार्वल स्टेज, इनडायरेक्ट मींस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लार्वल स्टेज। इसको हम लोग थ्री सब फाइलम में क्लासिफाई करते हैं, फाइलम ऑर्थोपोडा को। एक सब फाइलम ट्राइलोबिटोमॉर्फा, ट्राइलोबिटोमॉर्फा ये जो सब फाइलम है इसका मैक्सिमम एनिमल्स ट्राइलोबाइट्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, पहले मैरिन था, गिल ब्रेथिंग। बॉडी इज डिवाइडेड बाय द टू लॉन्गिट्यूडनल फुरोज इंटू थ्री लोब्स, दो लॉन्गिट्यूडनल फुरो में थ्री लोब्स में डिवाइड होता है, जिसमें हेड डिस्टिंक्ट प्रोबेबली वन पेयर ऑफ एंटीनी।
इसके बाद एग्जाम्पल हो गया आइसोटेलस, यस, ट्राइएर्थ्रस है, एटसेट्रा। सब फाइलम सेकेंड है केलिसिराटा। इसका अगर देखते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी यूजुअली डिवाइडेड टू द टू पार्ट्स, एंटीरियर अनसिगमेंटेड पार्ट होता है जिसको कहते हैं प्रोसोमा, जिसको सिफेलोथोरिक्स भी कहा जाता है। सिफेलोथोरिक्स मीन्स थोरिक्स एंड हेड का कंबाइंड फॉर्म। एंड पोस्टीरियर जो होता है सिगमेंटेड पार्ट, इसको हम लोग ऑपिस्थोमा कहते हैं। ये सिगमेंटेड होता है, एंटीरियर अनसिगमेंटेड होता है। ओके, प्रोसोमा जो बियर्स करता है सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस, जो एंटीरियर पार्ट है उसी में सिक्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस होता है, मींस जॉइंटेड लेग्स ओवर देयर। ओके, आफ्टर दिस एंटीनी एंड ट्रू जॉज आर अब्सेंट, इसमें एंटीनी एंड ट्रू जॉज नहीं मिलेगा। रेस्पिरेशन बाय द गिल्स, बुक लंग्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, याद कीजिए, ट्रैके को एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक्सक्रीशन बाय द कोक्सल ग्लैंड एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैल्फिजियन ट्यूबल्स इसको भी कर चुके हैं। इसमें यूनिसेक्सुअल है, मेल जनरली स्मॉलर देन द फीमेल। जेनिटल ओपनिंग जो होता है वह एंटीरियर ऑन द एब्डोमेन, एब्डोमेन के एंटीरियर पार्ट में होता है। इस सब फाइलम को हम लोग क्लासिफाइड करते हैं इंटू टू क्लासेस। एक है मेरोस्टोमाटा, मेरोस्टोमाटा। दीज एनिमल्स आर द मैरिन, रेस्पिरेशन बाय द बुक गिल्स ऑलरेडी एक्सप्लेनेड। एब्डोमिनल अपेंडेज जो होता है फाइव और सिक्स पेयर्स, मॉडिफाइड एज द गिल्स। वही बुक गिल्स जो बताया आपको, जो अपेंडेजेज है वह मॉडिफाइड हो जाता है इंटू द गिल्स। इसका एग्जाम्पल है लिमुलस, जिसको हम लोग लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं। इससे पहले के वीडियो में भी लिविंग फॉसिल्स को मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बता दें, ये नहीं बोलेंगे वो आप बैक वीडियो देखिए, ये कीजिए। चलिए, लिविंग फॉसिल्स का मतलब हो जाता है सच टाइप ऑफ द एनिमल्स जिसके नियरेस्ट जो रिलेटेड स्पीसीज होता है मैक्सिमम ऑफ देम आर बिकम एक्सटिंक्ट, और ये बहुत पहले आया हुआ में खास अभी तक किसी भी टाइप का स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, लेकिन आज भी ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऐसे एनिमल्स को लिविंग फॉसिल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, इफ यू आर मूविंग नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग जाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग अर्किनिडा। अर्किनिडा चीफली टेरिस्टेरियल, रेस्पिरेशन बाय द बुक लंग्स, सिंपल आइज होता है इसके पास। एग्जाम्पल में हो गया स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक्स, माइट्स एटसेट्रा, दीज आर द कॉमन। नेक्स्ट है मैंडिबुलाटा। मैंडिबुलाटा में सब फाइलम है, ये थर्ड सब फाइलम। टेरिस्टेरियल रहता है, फ्रेश वाटर और मैरिन। बॉडी ऑफ टू और थ्री पार्ट्स, टू और थ्री पार्ट्स हो सकता है। एंटीनी वन और टू पेयर्स, मैंडिबल वन पेयर, मैक्सिली वन और टू पेयर्स मींस अपर जॉज, एंड वॉकिंग लेग्स थ्री और मोर पेयर्स। यहाँ पे रेस्पिरेशन होता है बाय द गिल्स और ट्रैकिया। टेरिस्टेरियल है तो ट्रैकिया, वाटर में रहता है तो दैट इज द बाय द गिल्स। नेक्स्ट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्सक्रीशन बाय द मैल्फिजियन ट्यूबल एंड एंटीनल ग्लैंड, जो हम लोग स्ट्रक्चर बताया आपको ग्रीन ग्लैंड का, कोक्सल ग्लैंड का, उसी टाइप का स्ट्रक्चर होता है मैल्फिजियन ट्यूबल्स। इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं इंटू फोर क्लासेस। दिस फाइलम इज क्लासिफाइड इंटू फोर क्लासेस। क्लास वन क्रस्टेशिया, मोस्टली मैरिन, फ्यू फ्रेश वाटर। बॉडी इज डिविजिबल इंटू द सिफेलोथोरिक्स, हेड और थोरिक्स पार्ट नहीं डिफ्रेंशिएट होता है, इसलिए नाम देते हैं सिफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमेन। कहने का मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है, सिफेलोथोरिक्स एंड एब्डोमेन। डॉर्सल सर्फेस ऑफ बॉडी कंटेन्स अ हार्ड शील्ड कॉल्ड कैरापेस, जो डॉर्सल सर्फेस से इसको प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, उसको नाम देते हम लोग कैरापेस, जो कि रोस्ट्रम, एक स्पाइनी स्ट्रक्चर ऑन द डॉर्सल सर्फेस होता है, स्फेरिकल होता है, वो डॉर्सल सर्फेस में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ टू पेयर ऑफ एंटीनी एंड फाइव पेयर ऑफ द लेग्स, रेस्पिरेशन बाय द गिल्स। प्रेजेंस ऑफ हेमोसाइनिन, जैसे हम लोग के ब्लड में सुनते हैं बराबर रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन इज देयर, लेकिन यहाँ पे हेमोसाइनिन होता है। दोनों में डिफरेंस है, हेमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, बट हेमोसाइनिन इज द कॉपर कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है आयरन की जगह पे। इसमें एक्सक्रीशन थ्रू द कोक्सल, एंटीनरी और ग्रीन ग्लैंड्स। ओके, आफ्टर दैट इफ यू सी, इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, इसके एग्जाम्पल हो गया क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर, यस, डैफनिया एटसेट्रा, क्रेफिश है। इसका क्लास दूसरा क्लास है केलोपोडा। इफ यू सी, तो ये है बॉडी इज डिविजुअल इनटू हेड एंड ट्रंक, दो पार्ट में। इस सेगमेंट कंटेन्स अ पेयर ऑफ लेग्स, हर एक सेगमेंट एक पेयर ऑफ द लेग्स होता है। फर्स्ट पेयर ऑफ द लेग्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइजन क्लॉज में प्रोटेक्शन के लिए। इसका एग्जाम्पल है स्कोलोपेंड्रा सेंटीपेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनईबी के लिए, उसे सीबीएसई को क्लास पढ़ना ही नहीं है,
एनईबी में सेंटीपेड और मिलीपेड, ये दो में डिफरेंस बहुत बार पूछा हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंटीपेड एंड मिलीपेड। ओके, सीधा इसी का डिफरेंस चाहिए तो nepeducation.com पे भी अवेलेबल है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, यू कैन सी देयर ऑल्सो, नहीं तो यहां से भी आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिप्लोपोडा, थर्ड क्लास है डिप्लोपोडा, बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, तीन पार्ट में डिवाइड है, यहाँ पे टू पार्ट में डिवाइड है। इसमें वन पेयर ऑफ द लेग्स आर प्रेजेंट इन ईच थोरेसिक सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट में वन पेयर ऑफ द लेग्स होता है एक्सेप्ट फर्स्ट, फर्स्ट को छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड में रहता है टू पेयर ऑफ द लेग्स, लेकिन एब्डोमिनल सेगमेंट में टू पेयर ऑफ द लेग्स होता है, जबकि यहाँ पे वन पेयर ऑफ द लेग्स है इन द ईच सेगमेंट, यहाँ पे टू पेयर ऑफ द लेग, दिस इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंटीपेड एंड मिलीपेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ बुक में कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये कैलोपोडा डिप्लोपोडा इस दोनों को मिला के एक ही क्लास दे देता है मैरियापोडा, लेकिन अगर मैं उस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते तो आपको जो ये सेंटीपेड और मिलीपेड का डिफरेंस पूछ रहा है एग्जाम में तो इट विल नॉट बी दैट क्लियर, इसीलिए मैंने इस क्लासिफिकेशन को फॉलो नहीं किए। तो कहीं कहीं किसी बुक में मैरियापोडा देता है जो कि दोनों को मिला के देता है, सो प्लीज डोंट बी द कंफ्यूज ओवर देयर, आपको इस टाइप से दोनों ये यूज कर सकते हैं ये यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको अलग से पढ़ने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ यू आर सेइंग क्लास फोर इंसेक्टा, लास्ट क्लास ओवर देयर, इंसेक्टा बॉडी इज डिविजिबल इनटू द हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, थॉरिक्स थ्री सेगमेंट का, ईच सेगमेंट कंटेन्स द वन पेयर ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, मीन्स ऑल टुगेदर देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स, इससे पहले पड़े टू पेयर्स, विंग्स आर यूजुअली टू पेयर्स होता है ऑन द डॉर्सल सर्फेस, वन पेयर ऑफ एंटीनी, एक्सक्रीशन बाय द मैल्फिजन ट्यूबल्स, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, एग्जाम्पल हो गया सिल्वर फिश, लैपिश्मा, यस ड्रैगन फ्लाई है, हॉर्स फ्लाई है, मॉस्क्यूटो है, पेरीप्लैनिटा है जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में कॉकरोच कहते हैं, एटसेट्रा। दिस इज द अपेंड क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम ऑर्थोपोडा अप टू द क्लास, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फाइलम, एंड अगेन ऑल ऑफ यू हैव द थैंक यू वेरी मच, इफ यू हैव द एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन एंड प्रॉब्लम यू कैन कॉमेंट ओवर देयर, आई शैल ट्राई टू कीप योर डॉट क्लियर, थैंक यू वेरी मच, अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।